है तो हमारा सीट वह है दो दो बार जीता हुआ उम्मीदवार है वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पौने तीन लाख वोट से तो मैं जीत के आई थी hmm. तो मुझे कहना है हमारा सीट है छः सीट है हम लोग छः गो सीटें करेंगे hmm. हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस सीट पर लड़ेंगे पारस जी के उस पर कुछ भी नहीं है पारस जी तो हमारे संस्थापक थे वो कहे उनके कहने पर वो लड़े थे पारस तो जी क्या करेंगे वो तो पारस जी के मैटर है hmm. वो तो हमारी पार्टी के मैटर नहीं है लोक जनशक्ति पार्टी में मैं लडूंगा यहाँ से हाजीपुर से मेरा सीट है कभी कहेंगे मेरे अंगना में तुम्हारा क्या काम है अब उनको कहने वाले लोग नहीं है थोड़े वे मैं कह रही हूँ कि हमारे अंगना में उनका क्या काम है मेरा है मेरे संस्थापक मेरे गार्जियन उसमें दसों बार वहाँ से लड़के बने गिनीज बुक पर नाम हुआ अध्यक्ष वो वो हमारे पार्टी के मेन मालिक हैं वो जिनको देंगे जैसे देंगे उनके साथ हम लोग रहेंगे नहीं मिला फिर भी साथ रहेंगे हाँ फिर भी साथ रहेंगे माता जी के चरणों में रहें के रह के सेवा करूंगी माता जी कह रही हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की माता जी अरे वाह उनके चरणों में रह के हम राजनीति करेंगे आप से सर पर लोकसभा का चुनाव है और बिहार एनडीए में टेंशन जो है वो बहुत हाई है हाई इसलिए है कि चाचा भतीजा जो हैं वो एक होने को अब तक तैयार नहीं यानी कि पशुपति पारस और चिराग जो हैं वो एक होने को अब तक तैयार नहीं हो रहे इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए वैशाली की लोजपा की सांसद बीना देवी जी होंगी हाल ही में आपने देखा होगा चिराग पासवान ने एक सभा किया था और उस सभा में काफ़ी भीड़ दिखाई गई क्योंकि लोकसभा का चुनाव है कई सवाल होंगे हम इनसे पूछेंगे आ, पहला तो सवाल है कि आप लोगों ने सभा करवाया भीड़ तो दिखी इतनी जल्दी कैसे तैयारी हो गई आप लोगों की हमारे नेता जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी लोकप्रिय हैं उनके नाम पर लोग आने के लिए बहुत सारे लोग उत्सुक रहते हैं नौजवान है ऊर्जा है, है तो हम लोग सब मेहनत किए उन लोगों को कहे उनके बारे में सारे लोग आने के लिए तैयार हुए उनका क्या महसूस कर पा रही हैं इस बार क्या माहौल है वैशाली में मतलब कि खिल लोजपा के लिए क्या माहौल है दो बार तो तो ठीक रहा तीसरी बार तीसरी बार उससे ज़्यादा वोट से जीत के आने वाला माहौल बना हुआ है एकदम सब हमारे प्रिय नेता के लोग चाहते लोग हैं और फिर टिकट के बाद वो फिर वहाँ पर लोजपा ही जीत के आएगी टिकट मिलेगा लोजपा को ये वैशाली सीट लग रहा है आपको हमारे पार्टी में छः सीट है तो हमारा सीट है दो दो बार जीता हुआ उम्मीदवार है वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पौने तीन लाख वोट से तो मैं जीत के आई थी तो मुझे कहना है हमारा सीट है छः सीट है हम लोग छः को सीटें करेंगे अच्छा ये बताइए कि आ, 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 लेकिन एन में तो बहुत टेंशन हाई है एक चाचा है पशुपति पारस बिल्कुल कह रहे हैं कि वो हाजीपुर से लड़ेंगे तो लड़ेंगे हालांकि मंगल पांडे ने उन्हें मनाने की कोशिश की और और भी जो भी बीजेपी के नेता लगातार उनसे संपर्क में क्या लग रहा है कि पशुपति पारस की वजह से क्या आपकी सीटें कम नहीं होने जा रही हैं एन में देखिए मेरी सीट कम नहीं होगी यहाँ जो है हाँ, हाजीपुर सीट वो हमारे स्वर्गीय संस्थापक मेरे पार्टी के आदरणीय रामविलास पासवान जी थे उनका धरोहर सीट है वो कितने बार वहाँ से सांसद बन के गए मंत्री बने गिनीज बुज पर नाम भी लिखाए वो सीट हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस सीट पर लड़ेंगे पारस जी के उसमें कुछ भी नहीं है पारस जी तो हमारे संस्थापक थे वो कहे उनके कहने पर वो लड़े थे उनका वहाँ कोई जनाधार भी नहीं है वहाँ आप जाइए अगर जनता से पूछिए तो सब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का नाम बोलते हैं वहाँ पे पारद जी का वहाँ कुछ भी नहीं है जनाधारे नहीं है पिछले बार लेकिन जीत गए थे वो दो हज़ार पिछले बार जीते थे हमारे संस्थापक उनको आशीर्वाद दिए थे जब मंच साझा कर दिए थे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इसलिए जीत गए थे सभी लोग चाहते हैं कि हमारे प्रिय नेता चिराग पासवान वहाँ से चिनाव वहाँ के जनता एकदम एकत्र पारा जी के कुछ भी नहीं है वो मंत्री भी बने एक भी काम नहीं किए क्या किए नहीं नहीं वो तो कहते हैं कि आप जाइए जनता से पूछिए हाजीपुर की जनता से पूछिए मैंने हाजीपुर का काम किया और इसलिए नहीं किया कि मैं वहाँ का सांसद हूँ मैं पहले से ही काम करता रहा हूँ मतलब कि मेरे बड़े भाई का सारा काम तो हाजीपुर में ही देखता था देखिए उनके कहने से थोड़े होगा वो तो जनता बताएगी ना समय आ गया है जनता बताएगी हम किसके साथ हैं नहीं है जनता मालिक है प्रदेश अध्यक्ष बनाए अपने भतीजा को प्रदेश अध्यक्ष कितना प्रदेश में घूम के काम किए एक भी काम नहीं हुआ यहाँ तक कि उस पार्टी में लोगों को पहचान भी नहीं है वो हमको लगता है बिहार के पूरे जनप्रतिनिधि आम जनता को जानते भी नहीं होंगे वो लोग अपने आप को दावा करते हैं तो बात दावा करने के लिए प्रजातंत्र सबको अधिकार है कुछ भी कोई बोल सकता है लेकिन जो मेरे प्रिय नेता चिराग पासवान जी हैं हम लोग उनके विजन के साथ हैं बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के साथ हैं उनके साथ काम करें इतना लोकप्रिय है आप देख भी रहे हैं कि जहाँ भी जाते हैं हाजीपुर में सभा हुआ वैशाली में हुआ साहेबगंज में हुआ जहाँ भी उनका सभा होता है आप देख रहे हैं कि कितना लोकप्रिय है अच्छा ये बताइए कि आप यहाँ से अभी क्या देख रही हैं क्या समझ रही हैं कि देखिए टिकट का बंटवारा हुआ नहीं एन में चिराग पासवान भी हैं पशुपति पारस भी हैं वो भी सीटें मांग रहे हैं ये भी सीटें मांग रहे हैं बीजेपी वाले करेंगे क्या सीटें तो चालीस हैं क्या अब चिराग पासवान कम्प्रोमाइज़ करने के मूड में हैं क्योंकि पशुपति पारस को तो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे नहीं कि क्या चाचा कॉम्प्रोमाइज करने के करना पड़ेगा किनको करना पड़ेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम लोग के पार्टी के गार्जियन हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका जो फैसला होगा उसके साथ हम लोग काम करेंगे हुँ। ऐसा वो क्यों अपना छः सीट हम लोग लड़ते आ रहे हैं और छः सीट भी चौदह में भी जीते उन्नीस में भी हम जीते हुए हैं छः सीट आप लोग ले लीजिएगा तो पशुपति पारस की पार्टी क्या करेगी जाने ना वो किस आधार पर उधर हाँ उनका मर्जी है ना वो जाने कहाँ जाएंगे पारस जी क्या करेंगे वो तो पारस जी के मैटर है हाँ। वो तो हमारी पार्टी के मैटर नहीं है लोक जनशक्ति पार्टी पर छः सीट अब भी भी अब है कि आप हाँ चाहिए हाँ एकदम चाहिए छः सीट हम तो क्यों कम्प्रोमाइज करेंगे हाँ। हमारा उनके पास क्या कैगो सांसद है परज जी के साथ एक भी नहीं दिखाई देता है अभी आप देखते हैं किसी के, के बारे में वो बोले हैं चंदन सिंह है नहीं नहीं, नहीं जब भी वो लड़ रहे हैं मांग कर रहे हैं मीडिया में आप लोग के बीच में तो सिर्फ अपना सीट के लिए करते यहाँ तक कि वो भतीजा का नाम भी नहीं लेते हैं आ सांसद तो बहुत दूर के बात रहा किस सांसद के बारे में वो बोले कब बोले जो हमको वैशाली चाहिए कब बोले जो हमको खगड़िया चाहिए कब बोले हमको समस्तीपुर चाहिए वो एक ही बात बोलते हैं हम भी हम लोग भी मीडिया देखते हैं आपका मीडिया से फेसबुक पर देखते हैं चलते रहता है कि मैं लड़ूंगा यहाँ से हाजीपुर से मेरा सीट है कभी कहेंगे मेरे अंगना में तुम्हारा क्या काम है अब उनको कहने वाले लोग नहीं है थोड़े वे मैं कह रही हूँ कि हमारे अंगना में उनका क्या काम है वो कौन आधार से सीट मांग रहे हैं हाजीपुर ये सभी जानते हैं कि पिता कभी भी कोई संपत्ति अरसता है धन हो चाहे संपत्ति हो चाहे पद हो अपने बाल बच्चा के लिए रहता है तो उनका हमारे चिराग पासवान जी के मौलिक अधिकार है आजीपुर वो लड़ेंगे हम लोग उनके साथ कदम से कदम मिला के कांधे से कांधे मिला के चलेंगे हम लोग अपना चुनाव के प्रचार नहीं करेंगे हम तो लोग चिराग पासवान जी के चुनाव के प्रचार करेंगे हम लोग ले रहेंगे पारे जी किसी सांसद उनसे कोई सांसद खुश नहीं न उनके साथ कोई है लेकिन मजबूरी में था जिस समय आपको मजबूर किया गया था ने? हमको मजबूर नहीं किया गया था उस समय हम एक तो महिला है राजनीति करते हैं हमको जिस समय कहा गया उस समय हमको समझ में नहीं आया जी लोग इतना बड़ा चाल चल रहा है हमको छल से बुला लिया गया मुजफ्फरपुर से यहाँ आने पर कहता है साइन कर हमने कहा नहीं साइन नहीं करेंगे बात क्या है शुभ बताइए फिर हम नहीं समझे हम लोग कर दिए उसके बाद तो हम तो कभी हट गए उनसे हमारा कोई मतलब नहीं है उनसे हम लोग चिराग जी के साथ हैं उनके विजन के साथ हैं अरे आपने जो अभी कहा कि पशुपति पारस जो है वो अपना ही सीट मांग रहे हैं हाजीपुर का मांग रहे हैं अन हाँ है। सांसद जो पार्टी में उनके लिए नहीं मांग रहे चंदन सिंह के लिए नहीं मांग रहे हैं महबूब अली केसर के, के, के लिए नहीं, नहीं मांग रहे समस्तीपुर के सांसद मैं तो कभी नहीं सुनी हो आप मीडिया वाले हैं जैसे हमसे आप पूछ रहे हैं उसी तरह आप उनसे भी पूछते हैं कभी आपको कहे हैं कि हमारा पाँच सीट है चाहे हम चार सीट हम लेंगे हम तो कभी नहीं सुने हैं वो सिर्फ अपना हाजीपुर के लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं हाजीपुर कभी कहेंगे मेरे अंगना में तुम्हारा क्या काम है उनको मैं कह रही हूँ कि हमारे अंगना में तुम्हारा क्या काम है वो सीट मेरा है मेरे संस्थापक मेरे गार्जियन उसमें दो बार वहाँ से लड़के बने गिनीज बुक पर नाम हुआ हाजीपुर के उन्होंने क्या नहीं दिया वो सब जानते हैं पूरे बिहार जानता है पूरा देश के लोग जानते हैं हम लोग चिराग पासवान जी के साथ हैं हम लोग साथ रहेंगे अपना सीट लेंगे उनका प्रचार भी करेंगे छः के छः सीट भी लेंगे इसमें कोई रसी नहीं है अच्छा नहीं मिला तो नहीं मिला तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो आगे आदेश करेंगे उसका हम लोग पालन करेंगे अभी से हम लोग उनके साथ चले जाते हैं बैठे रहेंगे वहाँ पर अच्छा थोड़ा सा सवाल वैशाली को लेकर भी कर लेते हैं क्योंकि वैशाली की सांसद हैं महिला सांसद हैं आप आपका रिपोर्ट कर अगर मैं पूछूँ तो आपने काम किया है क्या वैशाली में क्या कहेंगे आप हमने जो काम किया है वो वैशाली की जनता बताएगी आपको रोड नाला जो है आप जाइए कम से कम मुजफ्फरपुर ज़िला में मात्र एक विधानसभा वैशाली का है पांच विधानसभा उसमें मुजफ्फरपुर का है लेकिन नाम है वैशाली लोकसभा तो मैं दिन रात काम करती हूँ ये सभी लोग जानते हैं मैं जेंस नेता नहीं हूँ कि आधा बात कहीं बैठ के समय बिता लूँ अपने क्षेत्र में अपने भगवानपुर आवास में 24 घंटा रहती हूँ जब तक लोकसभा चला तब तक यहाँ दिल्ली लोकसभा बंद हुआ कल होके मैं निकल जाती थी अपने मुजफ्फरपुर के लिए अब वहीं से पूरा जनता के दुख सुख में दर्द में कोई भी गरीब से गरीब लोग नौता देते हैं तो उनका काटपूर्णा हलमान अर्धा से लेके शादी ब्याह मरनी श्राद्ध के नौता आप जाइए जो हमारे पूर्वज को लोग भूल गए थे वैशाली के लोग बहुत सारे नेता वैशाली से बने लेकिन आज तक उनका न एगो वोट देखने को मिलेगा और न एगो किया हुआ ऐसा कीर्ति मिलेगा जो क्या क्या किए हैं हमने जो कर दिया अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश के अनुसार उन हमारे संस्थापक हमको मौका दिए आज तो हम लोग के बीच नहीं है वो कहीं भी है उनका नाम अमर रहेगा आ उन्होंने मुझे मौका दिया सांसद बनने का हम उनके नाम के उजागर करते हुए अपने क्षेत्र में जो काम कर दिया जो हमारे पूर्वज लोग थे बहुत पहले गुजर गए ऐतिहासिक काम भी कुछ किए थे वो लोग उनका सारे गेट उट बना के छठ घाट के लिए महिला लोग कही जे आप महिला है आप भी छठ करती हैं कुछ पोखरा सब में घाट बनाए ये सब सड़क पुल पुलिया अभी तीन गो पुल तो परसों हम उद्घाटन करके आएँ शिलान्यास करके आएँ आज भी था तो आज नहीं दो तीन दिन के बाद मैं करने वाली हूँ तो इस तरह विकास आपको देखने को मिलेगा हमारे जनता मुजफ्फरपुर के बताएंगे अच्छा ये एक बात बताइएगा ये अब हम इंटरव्यू के आखिरी पड़ाव में पूछे हैं आपको लगता है कि इस बार भी अगर वैशाली सीट मिलता है चिराग पासवान को तो वो टिकट किसे देंगे मतलब आपको मिलेगा आपको लगता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो हाँ। वो हमारे पार्टी के मेन मालिक हैं हाँ। वो जिनको देंगे जैसे देंगे उनके साथ हम लोग रहेंगे अगर नहीं मिला फिर भी साथ रहेंगे हाँ फिर भी साथ रहेंगे नहीं आजकल तो लो, नेता लोग क्या करते हैं ना है, ऐसा क्या करने से क्या फायदा होगा हम अपने संस्थापक के साथ अपने नेता के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ रहेंगे माता जी के आशीर्वाद उनके चरणों के साथ रहेंगे चरण में रहेंगे और क्या होगा राजनीतिक तो मैं 2001 से कर रही हूँ आपको पता होगा कि नहीं होगा मैं 2001 ही में पोलिटिक्स में आ गई जिस समय मेरा बच्चा सब बहुत छोटा था मैं दो से अभी चौबीस साल हो गया मैं राजनीतिक में हूँ माता जी के चरणों में रहें के रह के सेवा करूंगी माता जी कि कह रही हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की माता जी अरे वाह उनके चरणों में रह के हम राजनीति करेंगे अगर देख रहे होंगे तो खुश हो गए हो रहे होंगे अभी <laughs> नहीं वो तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है नौजवान है देखिए रहे ऊर्जावान है, है बोलने का स्टाइल उनका राजनीति करने का जनता इतना महिला तो इतना उनको चाहती है जो हम क्या कहें अपने बच्चा से भी ज़्यादा लोग चाहती हैं आशीर्वाद देती हैं मंच के नीचे से भी मंच पर भी लोग रहते हैं हम लोग महिला है ना तो महिला के गुट में चले जाते हैं घुस के तो लोग उनके बारे में चर्चा करती है बात करती है तो मुझे उस समय बहुत गौरवान्वित महसूस होता है कि हमारे नेता के लोग इस ढंग से नाम लेते अपनापन वाला भाव है हाँ भाव है हम लोग परिवार के लोग हो गए अब परिवार में है परिवार में थोड़ा बड़ा उतार चढ़ाव होता है माता जी हैं माता जी के चरणों में हम लोग रख के उनका आशीर्वाद लेके ही जैसा आदेश देंगे वैसा हम लोग वैशाली की सांसद बिना देवी इनका साफ तौर पे कहना है कि चिराग पासवान का क्रेज जो है वो पूरे बिहार भर में और हाजीपुर सीट तो है ना वो चिराग पासवान को ही मिलनी चाहिए क्योंकि वो उनके पिता की विरासत है और साथ ही इन्होंने कहा कि बिहार एन में इनकी पार्टी यानी कि लोजपा रामविलास को छः सीटें मिलने जा रही है बिल्कुल ही मिलने जा रही है फिलहाल अब तक के लिए इतना ही आप देखते रहिए न्यूज़ फोर्नेशन